तो दोस्तों, आपने अपने घर में कभी ना कभी कलर तो ज़रूर किया होगा। किसी ने ब्रश से किया होगा, किसी ने रोलर से कलर किया होगा, और अलग अलग तरीके हैं कलर करने के लिए, लेकिन कलर ज़रूर किया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में जिस प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाले हैं, वो जो प्रोडक्ट है वो कलर मशीन है, और ये जो मशीन है वो बिल्ड स्किल कंपनी की तरफ से है, और बहुत ही बढ़िया है। सच में मैंने यूज़ किया है, बहुत बढ़िया उसका परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं A to Z आपको समझाऊँगा ये मशीन लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, मैं मतलब सब कुछ यार कलर भी करके दिखाने वाला हूँ। तो आज के वीडियो के साथ बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, बॉक्स के अंदर से कुछ इतने पार्ट हमें मिले हैं, जिसको कैसे फिटिंग करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो ये गन ले लेते हैं हम। तो उसके साथ में ये जो आया है, ये डब्बे टाइप है जिसमें हम कलर भरने वाले, तो वो इस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से। फिर पाइप का ये जो सिरा है वो इधर इस तरीके से फिक्स हो जाएगा, बस इस तरीके से। फिर ये जो पाइप है वो मशीन के अंदर जाएगी, और इस तरीके से लॉक हो जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। तो ये जो ट्रैप्स है वो भी हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे प्रिंट मशीन को यूज़ करने की, यानी कि चेक करने की कि वाकई में ये कैसे कलर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो पाइप है उसके ऊपर हम लगाने वाले हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हमें कलर अंदर डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूँ कि ये कलर जो है ना, उसमें जो हमारा मैनुअल बुक है उसमें लिखा हुआ है, और उसके साथ में एक कप भी दिया हुआ है। तो ये कप है ना, उसमें से अगर कोई वाटर वाला कलर है वो 25 सेकंड में पास हो जाता है इस कप के अंदर से। तो गाइस, आपको समझना है कि ये हमारे मशीन के लिए एकदम ओके है। ठीक है, इतना पतला ही करना है। और अगर कोई ऑयल पेंट है तो 25 से 40 सेकंड के अंदर, 40 सेकंड के अंदर वो पास हो जाना चाहिए। तो ज़रा ये चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे मशीन को ख़राबी नहीं होगी और प्रिंट की जो क्वालिटी है वो भी एकदम बढ़िया आएगी। तो गाइस, अभी हम कलर बना रहे हैं और इस डब्बे के अंदर डाल रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो पाइप है उसके ऊपर लगाने वाला हूँ। तो हम ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, और अभी हम ये कलर बना रहे हैं। तो इसके अंदर आपको पता है कि टर्पेंटाइन लगता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि पतला करता है कलर को। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पतला करके ये डिब्बा जो है उसके साथ में जो दिया हुआ है उसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, तो अभी हमारा प्रोडक्ट एकदम रेडी है, हमारा मशीन रेडी है कलर करने के लिए। तो चलो हम चेक करते हैं कि भाई ये कैसे कलर करता है। और यहाँ पे हमने मशीन को कर दिया है स्टार्ट, और आप लोग देख सकते हो कि बड़ी ही आसानी से ये कलर कर देता है, और स्प्रे भी एकदम अच्छा देता है। ठीक है, उसके ऊपर एक नोज़ल भी दिया हुआ है जिससे आप कलर को, जो स्प्रे है ना, कलर का स्प्रे, उसको आप रोटेट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, सीधा, अगर छोटी कोई चीज़ है तो सीधा भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, और ये मशीन हीट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। आप 3-4 मिनट उसको एक साथ चला सकते हो, उसके बाद में आपको रेस्ट थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट नॉर्मल होगा, 10 सेकंड का दे दो तब भी चलेगा। तो ये ऑल ओवर ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, और कलर भी अच्छा खासा कर देती है। और कलर जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद है ना बहुत झंझट रहती है इसको साफ करना टर्पेंटाइन से, क्योंकि ये ऑयल पेंट है तो उसके अंदर मतलब बहुत सारा अंदर कलर होता है। तो कलर अंदर रह गया और सूख गया तो समझो आपकी मशीन गई। तो ये साफ़ करने के लिए थोड़ा वक्त निकालना पड़ेगा आप लोगों को, ये चीज़ है। तो ऑल ओवर ये मशीन बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। आपको अगर परचेस करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, बिल्ड स्किल कंपनी का ये मशीन है, बहुत बढ़िया है। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा ही लगा है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हमारे चैनल पर अगर आप नए मेहमान हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइबर तो बेल का आइकन ज़रूर दबाए। तो दोस्तों, मिलता है ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।